क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 220 वोल्ट पावर लाइन। इफ नो हीट एस्केप फ्रॉम इट, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 40 केजी ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको एक्चुअली थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें एक दो चीज़ आपको नहीं पता होगा। पहली बात क्या है कि वाटर को हीट करना है कितना डिग्री से, 15 डिग्री से 80 डिग्री तक। ठीक है, मतलब वाटर में कितना टेम्परेचर चाहिए हमको, 80 माइनस 15, दैट इज 65 डिग्री टेम्परेचर वाटर को चाहिए। ठीक है, अब 80 माइनस 15 कर लीजिए, 65 डिग्री टेम्परेचर वाटर को हीट करना है। ठीक है, क्योंकि 15 से 80 तक ले जाना टेम्परेचर, मतलब इसमें 65 डिग्री टेम्परेचर को प्रोवाइड करना वाटर को। ठीक है, ठीक है, आपको एक बार पता होगा कि वाटर को कितना हीट चाहिए होगा 65 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है MS ∆T। ठीक है, तो MS ∆T, एस हो गया आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज 4.2 जूल पर केजी होता है। सी 4.2 जूल, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो एक डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए एक ग्राम वाटर को 4.2 जूल हीट का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 40 केजी वाटर है, जिसको कितना चाहिए, तो मास ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे 40 केजी। अब इसको ग्राम बना सकते हैं, दैट इज 40 × 10³ ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका। नो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल हीट कितना चाहिए वाटर को, तो हीट हो गया MS ∆T, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ∆T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो एम हो गया 40 × 10³ मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज़ व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 65 डिग्री, इंटू एस हो गया आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट 4.2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 4 × 1 जूल, इसको दे दीजिए 4 × 4.2 × 65 × 10⁴ आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 10 जो है, 4 जो है, ये 0 1 इसको दे दिया। ठीक है, दैट इज 10⁴ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इतना हीट चाहिए वाटर को, मतलब 40 केजी वाटर को यहाँ पे 80 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचाने के लिए, कहाँ से, 15 से। तो ये हीट तो हमको चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ये हीट हमें चाहिए इस इलेक्ट्रिक हीटर से। तो इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में आपको एक बार पता होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो कैसे होता है, दैट इज व्हाट, H=2 होता है I²RT या V²R(T)। ठीक है, क्योंकि ये आपको अगर ये बात पता नहीं है तो आप एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, फॉर्मूला में हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट वीडियो में, तो ये हम बता चुके हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो H=V²/R(T) हो गया, तो ये हो गया मेरे पास वी, दे रखा आपको यहाँ पे 220 × 220 हो जाएगा, अपन आर कितना है यहाँ पे 12 ओम इंटू टाइम टी हो गया। तो हम ये टी निकाले हैं, चूँकि दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो हीट गिवन बाय द हीटर इक्वल टू हीट टेकन बाय दिस वाटर शुड बी इक्वल। तो भी तो आपको पता चलेगा कि इक्वल कैसे, मतलब इक्वल करने के बाद भी तो हमें पता चलेगा कितना टाइम चाहिए। नाउ हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे 220 × 220 / 12 × टाइम इक्वल टू, अच्छा इससे पहले मेरे पास ये क्या था, 4 × 4.2 × 65 × 10⁴। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो टी निकालना है, तो टी को निकालने के लिए बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो देयरफॉर टी इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पे 4 × 4.2 × 65 × 10⁴ × 12 / 220 × 220। ठीक है, इसको निकालने के बाद देख लीजिए क्या आ रहा है मेरे पास टाइम, तो दैट्स कम टू बी 2707 के अप्रोक्स ये आ रहा है। ठीक है, तो 2707 के अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो आएगा मेरे पास टी इक्वल टू 2707 सेकेंड। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। ठीक है, अब एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया। फिर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। ओके, तो इसमें दे रखा है टू वॉल्व हैव द फ्लोइंग रेटिंग 60 वॉट 220 वोल्ट एंड 30 वॉट
100 volt. Then what is the ratio of the resistance? So let's see here, it is given to us. In the first question, we have given 60 watt and 200 volt. So how many calls ka? What is the ratio of the resistance? So resistance ke baare mein aapko pata hoga ki aapko pata hoga P equal to hota hai V square upon R hai na, isme formula. So R equal to kya hoga? V square upon P. That is what. ठीक है, R1 हो गया मेरे पास, ये V1 and P1 and R2 भी हम निकाल सकते इस तरीके से, R2 equal to V2 square upon P2. इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो हम कर लेते हैं इन्वर्ट इस तरीके से, R1 upon R2 upon R2, that is equal to R1 का वैल्यू V square upon V1 square upon P1 into, ये आपको उल्टा आ जाएगा, P2 upon V2 square. ठीक है, इस तरीके से हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो बी वन स्क्वायर आपको आ जाएगा 200, ठीक है, इंटू 200 इंटू पी टू आ जाएगा आपको कितना 30, एंड इस तरीके से पी वन आ जाएगा आपको कितना 60 इंटू बी वन के स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ पे बी टू के स्क्वायर, दैट इज़ 100 इंटू 100. तो दो जो उसका दो जो इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एंड 32 जा 60 और 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज 2/1 इस तरीके से, तो आपको क्या आ रहा है 2/1 आ जाएगा. ठीक है, देयरफॉर आर वन अपन आर टू इक्वल टू 2:1. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये 2 है ना और ये 1 नीचे में कुछ नहीं तो 1 बच रहा है, दैट इज व्हाट 2:1. तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1 आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज द आंसर. फिर चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखिए क्या है. ओके, तो यहाँ पे देखा टू बल्ब. ओके, तो थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है कि टू बल्ब्स रेटेड 25 वॉट्स 100 वोल्ट एंड 100 वॉट्स 110 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई. फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस टू बल्ब विल गेट फ्यूज एंड व्हाट वुड हैपन इफ द टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सप्लाई. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ समझना है आपको कि पहला बल्ब जो है फर्स्ट बल्ब के लिए 25 वोल्ट है. ठीक है, और ये कनेक्टेड होता है 110 वोल्ट से. ठीक है, एंड सेकेंड बल्ब के लिए अगर ये बात करें तो दैट इज़ व्हाट, ये 100 वोल्ट है और ये 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता है. लेकिन जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके वो 220 वोल्ट से सप्लाई किया गया, तो पूछा गया कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा. तो सबसे पहली बात तो ये हम देखना पड़ेगा इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, फिर सीरीज में करने के बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद इनसे हम कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट से. तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पे. हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, वी नो दैट पी इक्वल टू फॉर्मूला वी स्क्वायर अपन आर है ना. तो पहले के लिए हम निकाल लेते हैं क्या होगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट के लिए वी स्क्वायर अपन पी लगाते हैं, आर वन वी स्क्वायर हो गया आपको 110 इंटू 110 बाई पी हो गया 25. तो आई थिंक ये पूरा कटेगा 100 इंटू 4 टाइम में, तो आपको 121 इंटू 4, तो 484 आ जाएगा ओम, ये आपको आर वन. एंड सिमिलरली आप अगर आर टू निकालेंगे यहाँ पे, तो आर टू आपको निकलेगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सेकेंड में आपको 100 वोल्ट है और 110 वोल्ट है, तो दैट इज 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 121 ओम आएगा. ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोनों को सीरीज में ऐड करने का, ठीक है, तो सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, तो आपको पता है आर वन प्लस आर टू डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो दैट विल बी हाउ मच, यू नो दैट आर वन प्लस आर टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको आएगा 484 प्लस 121. ठीक है, तो ये आपको आएगा 5065 ओम. ठीक है, नाउ हमको ये निकालना है यहाँ पे कि पावर कितना है डिस्पीट करेगा. ऑपरेट किया गया इसको 220 वोल्ट से, वी इक्वल हो गया 220. ठीक है, एंड आर हो गया आपको यहाँ पे 605, और ये पावर कितना आएगा, तो ये पावर लेगा पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, तो 220 इंटू 220 अपन आर इज 605. आई थिंक ये कट जाएगा, टोटल आपको 80 आएगा वाट. ठीक है, तो 80 वाट आएगा यहाँ पे,
तो आप एक बार देखिए यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल होने के बाद कि 80 वाट जो किसके किसके बीच आ रहा है, ठीक है, 80 वाट जो आ रहा है ना आपका, तो इससे तो बड़ा है ना, लेकिन इससे छोटा है, तो मतलब पहला वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको 80 वाट मिलेगा ना, तो ये फ्यूज़ हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि इसका 25 वाट ही ऑपरेट करने का क्षमता है, इसको 80 वाट नहीं, ये कैपेसिटी नहीं है इसको 80 वाट सह सकने का, इसलिए इसमें आंसर देगी फर्स्ट बॉल वुड गेट फ्यूज, क्योंकि 80 वाट ये बेयर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, पूछा गया कि व्हाट वुड हैपन इफ द टू बॉल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब अगर कनेक्ट करें पैरेलल में तब क्या होगा, दोनों उड़ जाएगा या फिर दोनों में से कोई नहीं उड़ेगा। तो देखिए पैरेलल में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है 1/R=1/R1+1/R2, तो हमें निकला था एक का 1/R1 जो आया था आपको 1/121 आया था, और दूसरा आया था 1/421, ठीक है, सॉरी ये आया था 424, आई थिंक ये था, देख लेते क्या था, 484 था, ठीक है, सॉरी 484 था, तो दैट विल बी 484, तो आपको ये मिलेगा 1/LCM लेने के बाद, तो 484 हो जाएगा LCM, तो ये 4+1 दैट इज़ 5/, तो R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालेंगे तो फिर इसको उल्टाना होगा, तो 484/5 ओम, ठीक है, तो ये आ गया आपको। अच्छा, इससे फिर पावर निकाल लेते, तो पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू V²/R, 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा था, तो 220 × 220 / R दैट इज़ 484, अच्छा ये 5 जो ऊपर चला जाएगा, तो ये टोटल तो आपको पता है कि समथिंग क्या आने वाला है काटने के बाद, तो हम एक मिनट कर देते कैलकुलेट, तो दैट्स कम टू बी 500, ठीक है, तो ये 500 ओम ये वाट आ रहा है, तो अब ये बताइए कि 500 वाट में कौन कौन बच पाएगा, ठीक है, तो जो 500 वाट आ रहा है इस केस में, तो 500 वाट किसी का क्षमता नहीं है, इसका 25 वाट है, इसका 100 वाट है, मतलब बोथ वॉल बल्ब विल गेट फ्यूज, है ना, तो यहाँ पे दोनों फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि दोनों में से कौन से फ्यूज होगा, कौन सा बचेगा, ठीक है, तो इन दिस कंडीशन बोथ विल बी गेट फ्यूज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, विल गेट फ्यूज, ये तो सेकेंड केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में फर्स्ट पोल विल गेट फ्यूज, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका आंसर क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, कंपेयर कैसे करना है, तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है, तो इसमें गिवन है क्या कि क्वेश्चन में देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम 5 एम्पीयर करंट व्हेन कनेक्टेड ऑन और रन ऑन 220 वोल्ट मेंस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग फॉर इट 7 आवर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू 30 पैसेज पर यूनिट, तो बस पता है कि हमको निकाला इसमें कॉस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे पावर क्या होगा, ठीक है, तो पावर होता है V × I, ठीक है, दैट इज V कितना है 5 × 220, ठीक है, तो ये आपको आएगा वाट में, इसको हम किलो वाट बता देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिट की बात करें, यूनिट में मतलब पावर होना चाहिए किलो वाट में, ठीक है, तो 5 × 220 / 1000, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 5 से 5 2 10, ठीक है, यहाँ जीरो हो गया, एंड यहाँ पे 10 11, इट मीन्स 1.1 किलो वाट आ गया, ठीक है, यहाँ पावर, और पावर इंटू टाइम जो होता है यहाँ पे हो जाता है एनर्जी, तो दैट इज़ यूनिट कितना हो गया, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना, तो ये आपको हो गया पावर हो गया आप 1.1 × 10⁻⁷, ठीक है, आवर्स, ये यूनिट हो गया, इतना यूनिट, तो कॉस्ट इक्वल कितना होगा, कॉस्ट इक्वल होता है एनर्जी इंटू रेट, ठीक है, तो एनर्जी कितना यूज हुआ है 7.7 × 8 हो गया और 30 पैसा, है ना, तो 30 पैसा मतलब 30, और पैसा है तो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये रुपया बदल जाएगा, ठीक है, तो इट मीन्स वर्ड 0 0 कैंसिल, है ना, यहाँ पे तो कितना होने वाला है यहाँ पे 1 × 23/10, तो एक डिजिट पॉइंट खींचा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.31 पैसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है टोटल 2.31 पैसा, मतलब 2 rupees 31 paisa, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा आपका, ठीक है, तो आंसर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, तो कॉस्ट विल बी ऑफ दिस रनिंग ऑपरेटिंग दिस हीटर दैट विल बी 2 rupees 31 paisa, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट 5th में, देखिए क्या क्वेश्चन, इट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन दैट 100 वॉट
1000 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज टू ऑपरेट 220 वॉल्ट सप्लाई. व्हाट इज द करंट इन द हीटर. ऑल्सो फाइंड और कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट. ओके, तो देखिए हमको क्या क्या निकालना है यहाँ पे. पहली बात तो करंट निकालना है, दूसरी बात हमको निकालना है रेजिस्टेंस. तो P इक्वल टू होता है V इंटू I. जब हमको करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो P दे रखा है 1000, V हो गया यहाँ पे 220, इंटू यहाँ पे I फाइंड करने. तो I इक्वल टू क्या हो यहाँ पे, ये 220 को इधर ले आते हैं, ठीक है. सो दैट इज 1000 अपन 220, ये कट जाएगा, ठीक है. तो आई थिंक 4.55 के अप्रोक्स आएगा एम्पियर, ठीक है. तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है. 4.55 के अप्रोक्स आता है पॉइंट में, ठीक है. उसके बाद हमको निकालना है आर. तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपन पी, ठीक है. तो वी स्क्वायर दैट इज व्हाट, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी दैट इज 1000, ठीक है. 2020 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा इसका. तो क्या हुआ, 484 बाई 10, तो इट मीन्स 48.4 ओम, ठीक है. तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. इस तरीके से आप इसको दोनों निकाल सकते हैं इजीली वे में, ठीक है. तो ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है. रेजिस्टेंस दैट इज 48.4 ओम एंड करंट विल बी 4.55 एम्पियर. दीज आर द आंसर. फिर चलते हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है. ओके, तो यहाँ दे रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस 10,000 ओम रजिस्टर्ड इफ द रेटेड 420 0.25 वॉट. तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि पावर दे रखा है दैट इज वॉट 0.25 वॉट. इसको आप अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 बाय 1000, ठीक है. और ये 20 आ जाएगा और दैट विल कम्स टू बी 25 अपन 3250 आ जाएगा, ठीक है. और ये आर दे रखा है यहाँ पे 40 यहाँ पर, ठीक है. ये दे रखा है तो हमें निकालना क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया. यहाँ पे हम कर लेते हैं पावर 0.25 वाट है यहाँ पे, ठीक है. तो इसको हमको वाट में रखना था तो यहाँ से आ जाता दैट इज 0.25 वाट, ठीक है. एंड आर इक्वल टू 1000 ओम दे रखा, ठीक है. सॉरी 10,000 ओम दे रखा यहाँ पे. तो हमें निकालना क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू होता है पी. हमें निकालना है यहाँ पे वी है तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी इंटू आर. पी हमको मिल गया 0.25 इंटू आर मिल जाएगा दैट इज 4000, मतलब मल्टीप्लाई होगी ये 20 कैंसिल 2500. पी स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2500 आ गया तो वी इक्वल टू आ गया 50, ठीक है वोल्ट. तो यहाँ पे 50 वोल्ट आना चाहिए तो आंसर 5 है. यहाँ पे एक और 0 आएगा, ठीक है. तो दैट विल बी 50 वोल्ट, दैट विल बी द आंसर, ठीक है. तो इसका जो वोल्टेज होगा तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है. फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए क्या है. क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर. तो हमको लेंथ दे रखा है 0.2 मीटर, ठीक है. एंड कैरिंग अ करेंट ऑफ 0.8 एम्पियर, आई इक्वल टू 0.8 एम्पियर. एट वेन प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो ये दे रखा है, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है. फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इक्वल टू बी आई एल. आपको अगर पता होगा फॉर्मूला, ये अगर आप देखे होंगे थ्योरी पार्ट अभी जो इसमें गिवन है तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है. तो एफ इक्वल टू बी आई एल हमको लगाना है यहाँ पे. तो एफ बी हो गया आपको यहाँ पे 1.2 इंटू आई 0.8 एंड 0.2. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा यहाँ पे 2 एट जा 16 इंटू 12 192 और 0 आ जाएगा 0.123 थ्री डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा इतना न्यूटन, दैट विल बी द आंसर, ठीक है. तो ये फोर्स आ जाएगा इतना न्यूटन, ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है. आई होप ये बात आपको समझ में आएगा. फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए क्या है. तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर. तो यहाँ पे दे रखा है लेंथ इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है. और यहाँ पे मीटर होगा. कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड आई इक्वल टू हो गया आपको 1 एम्पियर एंड प्लेस इट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इक्वल टू हो गया आपको 1.2 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है.
टी भी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा आपको, यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, दोनों होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फोर्स। तो एफ इक्वल टू आपको पता है बी आई एल होता है, सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो हम सॉल्व किए थे। तो बी दैट विल बी 1.2 एंड आई दैट विल बी 1 एंड एल इक्वल टू 0.3। तो यू विल गेट द आंसर हियर 0.36 न्यूटन। तो फोर्स एक्सपीरियंस टू दिस कंडक्टर विल बी 0.36 न्यूटन, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हम लोग नाइन्थ में, क्वेश्चन देखे क्या है। ओके, इट इज गिवन टू अस व्हाट अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 0.05 mm, तो सॉरी मीटर, 0.05 मीटर का दे रखा है। ठीक है, एंड करंट इसमें दे रखा है आई इक्वल टू गिवन टू इट 1 एम्पियर। एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर विल बी दैट इज 1.5 × 10⁻⁴ kg। ठीक है, ये दे रखा हमको यहाँ पे। तो अब एक बार समझिए यहाँ पे क्या है कि लेंथ हो गया 0.05 mm एंड आई हो गया 1 एम्पियर, मास हो गया इतना। तो हमें फाइंड करना बी। देखिए मास दे रखा है, इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो एफ इक्वल टू होता है एम जी, आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो अगर जी को हम 10 ले लें तो 1.5 × 10⁻⁴ × 10, इट मीन्स 15 × 10⁻⁴। ठीक है, न्यूटन आ गया। तो आपको फॉर्मूला पता है एफ इक्वल टू बी आई एल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना बी, तो बी इक्वल टू हमें चाहिए, तो यहाँ पे आई और एल नीचे आ जाएगा, तो एफ बाई आई एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमको बी इक्वल टू एफ अपन आई एल आ गया। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू बस पुट करना है, तो बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, एफ का वैल्यू आपको निकल गया है 15 × 10⁻³। देखिए आई का वैल्यू है यहाँ पे दे रखा 1 एंड एल का वैल्यू दे रखा 0.05। ठीक है, तो 0.2 का ऊपर में 100 आएगा, और ये 5 × 5 = 15। ठीक है, तो 3 × अच्छा यहाँ पे एक ये दो जीरो यहाँ पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 था है ना, यहाँ पे जो है पावर 4 है, तो ये -4 आएगा। ठीक है, इस पर तो हम बात करेंगे यहाँ पे 3 × 10⁻⁴ × 10⁻² तो ऐड हो जाएगा पावर, दैट विल बी 3 × 10⁻⁴, यहाँ पे -2 आ गया टेस्ला। ठीक है, तो बी का वैल्यू टेस्ला में आता है, तो बी विल बी या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × 10⁻⁴ - 2 टेस्ला, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक बार समझिए यहाँ पे कि इसमें आपको आंसर मिलेगा 32.94, अप्रोक्स 3 के बराबर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जी लिया गया है 9.8 के इक्वल टू, है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, जी का वैल्यू 9.8 ले गए तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.94 × 10⁻²। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट डिपेंड ऑन जी, तो जी का वैल्यू आप 9.8 ले लेंगे, है ना, तो इससे आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हम लोग आगे, क्वेश्चन देखिए 10th में क्या है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरी करंट 4 एम्पियर एंड 8 एम्पियर। तो हम एक काम कर लेते हैं, आई वन को लिख लेते हैं दैट इज 4 एम्पियर एंड आई टू लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज 8 एम्पियर एंड रिस्पेक्टिवली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द सेपरेशन बिटवीन दैम इज 0.25 मीटर। तो इसका बीच का डिस्टेंस हो गया आपको 0.25 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन दैम लाइक म्यू नॉट इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमको दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, दैट इज हमको निकालना है यहाँ पे फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स के बारे में आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, दो पैरेलल वायर है। ठीक है, ये पैरेलल वायर है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है। ठीक है, तो इसका जो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगता है, तो हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, वो इसका बेसिक रिविजन में। तो एफ इक्वल टू हो गया आपको म्यू नॉट आई वन आई टू अपन 2 पाई डी। ठीक है, डी इज व्हाट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, एफ इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट का बारे में आपको पता है वैल्यू 4 × 10⁻⁷। ठीक है, एंड आई वन आपको आ गया यहाँ पे, एक तो वैल्यू है 4
आई टू हो गया आपको 8, 2 इंटू पाई इंटू डी आ गया आपको 0.25। अब सॉल्व कर लेते क्या है इसका आंसर, पाई स्पाई कैंसिल, 2 से 2 टू जब 4 और यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो 2 0 ऊपर आएगा एंड 25 4 जा 100 आ गया आपको, ठीक है। तो 4 4 जा 16 एंड 8 टू जा 16, तो 16 टू 60 आ गया आपको 256 इंटू 10 पे पावर यहाँ पे 7 है। तो अगर चाहे तो एक पॉइंट इसको दे देंगे, तो पॉइंट देने के बाद आपको एक जीरो यहाँ पे खिसकेगा तो 25.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 6 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ रहा है न्यूटन पर मीटर आएगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको पूछा गया था, क्योंकि डी का वैल्यू मीटर होगा, ठीक है। तो ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट विल बी द आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जो है इतना न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हम लोग 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। 11th क्वेश्चन दे रखा है, अ करंट ऑफ 4 एम मिली एम्पियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई कोल्ड होगा यहाँ पे 4 मिली एम्पियर, ठीक है। पासेस थ्रू अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो आपको इसका एल हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसमें दे रखा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 12 टेस्ला, तो बी हो गया आपको यहाँ पे 12 टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, एक चीज़ आपको पता है कि एफ इक्वल टू बी आई एल, वहाँ पे साइन थीटा भी होता है, तो आपको थीटा तो परपेंडिकुलर है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना एफ इक्वल टू बी आई एल ही यूज करना है, ना आपको 12th में जो है बी आई एल साइन थीटा यूज़ करना है, ठीक है, तभी आपको बी आई एल यूज़ कर लेना सिंपल। तो बी हो गया आपको यहाँ पे क्या 12। आई हैव 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें ना यहाँ पे, तो ये मिलेगा 12 एंड 4 3 जा 12, तो 144 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 144 इंटू 10 पे पावर माइनस का 5, और ये पॉइंट 2 0 देगा इसको, है ना, यहाँ पे अगर पॉइंट बैठा दे तो 1.44 इंटू 10 पे पावर माइनस का 3, ठीक है। तो न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे, तो फोर्स जो है आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट इधर आएगा तो 2 0 इसको देगा, तो 2 0 प्लस ऐड होगा तो 3 आ जाएगा उसके इसमें, ठीक है आंसर। तो दैट विल बी द फोर्स। फिर चलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो 12th में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, देखिए, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो यहाँ पे आई कितना है 1 एम्पियर एंड एन इज गिवन टू अस 100 टर्न्स, ठीक है। एंड रेडियस दे रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बी क्या होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब सर्कुलर कॉइल होता है तो इसके में बी का जो फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स एन आई अपन 2 आर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला इसका, और एक्चुअली हम ये पहले भी बता भी चुके हैं, ठीक है आपको, और अगर नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको रिविजन या बेसिक वीडियो देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्या होता है देखिए, तो म्यू का वैल्यू आता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, एन का वैल्यू आपको 100 है, और यहाँ पे आई का वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है, 2 इंटू आर का वैल्यू आपको यहाँ पे 0.1 दे रखा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको हो गया 2 से हो गया आपको 2 पाई, है ना, यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 हम पुट कर लेते हैं इंटू 10 पे पावर माइनस का 7। अच्छा, ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर 1 0 देगा, है ना, यहाँ पे तब वो नीचे मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो गया, तो हो गया आपको 6.28 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, और ये प्लस 3, क्योंकि 1000 है तो प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, 6 पॉइंट राउंड अप करें तो 6.3 हो जाएगा यहाँ पे, ना 2 को, क्योंकि 2 से बड़ा है तो ये 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, तो ये आपका हो जाएगा बी। तो ये बी इक्वल टू 6.3 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 के बाद 14 में क्वेश्चन क्या रखा है देखते हैं। अलोंग स्ट्रेट 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द वायर ड्यू टू द करंट। तो हमें दे रखा है आई यहाँ पे, दैट इज 10 एम्पियर है, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है दैट इज आर 0.2 मीटर। ओके, तो आपको पता होगा यहाँ पे कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर, इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पहले भी पता है, बता चुके हैं, अभी भी बता, फिर से एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। तो एक स्ट्रेट वायर के द्वारा जो है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो बी इक्वल टू आपको निकलेगा यहाँ पे म्यू नॉट, म्यू का वैल्यू आपको पता होगा, पहले से भी बता चुके हैं, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4π × 10⁻⁷। ठीक है, यूनिट में जो होता है इसका यूनिट, आप ऐसा यूनिट ध्यान रख लीजिए, तो 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई आई मतलब 10 एम्पियर एंड डिवाइड बाई 2 × π × r हो गया आपको, दैट इज 0.2 मीटर। तो 0.2 पॉइंट उड़ेगा तो 1 0 आ जाएगा इस पर। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते इसको, देखिए 2π से 4π कटेगा 2 टाइम है ना, उसके बाद ये 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 10⁻⁷ × 10⁻² यहाँ पे 100 × 10⁻² आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो b इक्वल टू आपको आएगा यहाँ पे 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, क्योंकि जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो -7 + 2 दैट इज -5, तो 10⁻⁵ टेस्ला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 में क्या दे रखा क्वेश्चन। अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0.15 मीटर फ्रॉम द वायर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आई को टू दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इतना मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, हमको निकालना है डिस्टेंस क्या दे रखा है, आर इज 0.15 मीटर। ठीक है, इतना मीटर दूरी पे क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे हमको बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, इन सबका डेरिवेशन जो बायोट सावर लॉ से होता है ये आपको 12th में पढ़ना है, बाकी तो अभी टेंशन नहीं लेना, बस आपको फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, तो स्टेट वायर के द्वारा ये होता है। ठीक है, तो बी इक्वल टू फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, लगा लेते हैं, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ एंड आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया एंड 2π × r के बदले दे रखा है यहाँ पे 0.15। ठीक है, तो ये कटेगा 2π से 2 टाइम कट गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये पॉइंट टूटेगा, तो ये 100 होगा, 5 से काट लीजिए, 5 से 15 एंड 5 से 20 22 से 40 बाई 3, तो ये 40 बाई 3 × 10⁻⁷। ठीक है, 20 और 2 = 40 हो गया, और ये नीचे में 3 40 बाई 3, तो 40 बाई 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज व्हाट 13.3। ठीक है, × 10⁻⁷। अब एक पॉइंट को इधर खिसकाइएगा तो एक ये 10 देगा इसको। ठीक है, तो 1.33 × 10⁻⁶ टेस्ला आ गया आपको इसका बी का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप बी निकाल सकते हैं दैट इज व्हाट 1.33 × 10⁻⁶ टेस्ला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्या है दे रखा है। ओके, तो इसमें दे रखा है वायर कैरी करंट 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आई दे रखा है दैट इज व्हाट 5 एम्पियर। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे बी दे रखा है, हम सिंपल्स कह सकते हैं 1 टेस्ला। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स दैट इज 1 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर, LM को फाइंड करना। तो ये किस फॉर्मूला में काम आता है, फिगर टू बी एल आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये आपको इस सब चीज़ को लिख लीजिए, बाकी आपको तुरंत फॉर्मूला समझ में आएगा कौन सा यूज़ करना है।
तो एफ इक्वल टू पी आई एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देना आपको, तो एफ वन दे रखा है, बी का वैल्यू आपको वन दे रखा है, एल का वैल्यू आपको पता करना है, आई वन, आई आपको फाइव दे रखा है, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना हो गया इधर, वन बाई फाइव, ठीक है। तो देयर फोर एल इक्वल हो गया आपको 0.2 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ जो होगा वायर का, तो ये 0.2 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर।